मॉडल का इश्यूज हो सकता है गाड़ी में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समीर एसटीए ब्लॉग। सो ये है वीडियो द कंपैरिजन बिटवीन दिस TVS Raider 125cc एंड Pulsar 125cc BS6 एंड BS6 के बारे में। पहले इस बाइक के बारे में बात कर ले जाए तो ये Pulsar 125cc 2022 मॉडल BS6 मॉडल है। तो पहले लाइट के बारे में बात कर ले जाए तो लाइट LED लाइट है और ये लो बीम है और ये हाई बीम है। और इंडिकेटर के बारे में भी थोड़ा सा बात कर ले जाए तो इंडिकेटर इसका LED है। तो टायर के बारे में बात कर ले जाए तो टायर 80-90 सेक्शन है और पीछे का मेरे को लगता है 90-100 सेक्शन का होगा। और डिस्क दिया हुआ है ब्रेक में। इस सीट के बारे में सा बात कर लेते, सीट इसका प्लेन है और सीट का स्प्लिट सीट है। टैंक के बारे में बात कर लिए तो टैंक 11.5 लीटर है इसका और बाइक का ओनर ये है नफीस। तो यही है। और मीटर के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए तो मीटर नॉर्मल जिससे इससे पहले का मतलब Pulsar में जो आता है वही है। यहाँ पर इंजन किल स्विच है और यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर ट्विनिंग, हाई बीम लो बीम इसके पास है। यहाँ पर हॉर्न बढ़िया है। इंजन 124cc का है और कुछ है नहीं इस बाइक में, नॉर्मल है। बट BS6 इसको चलाएंगे अभी, रिफाइंड कितना है देखेंगे, चला के देखेंगे कैसा है, तो कंपैरिजन करेंगे इन दोनों बाइक के साथ। तो देखते हैं, चलिए इस बाइक को राइड करते हैं। उठते हैं। सो आई एम राइडिंग दिस बाइक। तो इसमें एक और अच्छा सिस्टम मेरे को दिखाया भाई ने कि इसमें क्यों इसमें स्टार्ट हो जाएगा बट छोड़ेंगे तब नहीं जाएगा क्योंकि इसका साइड स्टैंड गिरा हुआ है इसलिए। तो इसको उठा देंगे पहले, अभी इसको चलाएंगे। साउंड बहुत बढ़िया है, इसको चलाते हैं अभी, देखते हैं कैसा आता है। पेट्रोल लो है बट है, चलेगा। ओह, थोड़ा सा इसका जो थ्रॉटल है ना, थ्रॉटल ये बहुत स्मूथ मेरे को लग रहा है, बढ़िया है। उसका भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है। ये दोनों का एक चीज़ क्या है कि BHP सेम है, इसका भी 11.8 है, इसका भी 11.8 है। तब इसको थोड़ा सा हम इसका बाइक में एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है Pulsar में, स्मूथली चलता है ये लोग। तो ये स्मूथली उठता है और स्मूथली जाता है, यानी कि ये होता है गांडू, दिस इज़ कॉल्ड गांडू। तो यही है। और पीछे की तरफ हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कैसा हो रहा है। तो ये बाइक बहुत बढ़िया है, इसमें इंजन कुछ स्विच है, उसमें इंजन कुछ स्विच नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था वही इश्यूज। और ये एक चीज़ मेरे को लगा। ओवरऑल बाइक के बारे में क्या बताएं, 243 पे चल रहा है गाड़ी और BS6 का मॉडल है, स्मूथ चल रहा है। और इसमें अभी तो GPRS का भी सिस्टम दे रहा है मेरे को लगता है कि क्योंकि मैंने 150cc का बाइक में एक देखा था कि GPRS का भी सिस्टम दे रहा है इस बाइक, इस जैसे बाइक में आप एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं या फिर दे भी सकते हैं, पर मतलब उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा आपको। तो बाइक ओवरऑल बहुत बढ़िया लगा मेरे को, स्मूथ अभी लग रहा है क्योंकि मैं अभी तो पावर कब्जा नहीं किया, न्यूटन मार के मतलब वहाँ से न्यूटन मार के देखेंगे पावर कैसा है। तो इसका पीछे वाला ब्रेक थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है बट सही है। और अभी यहाँ से मैं न्यूटन होऊंगा, कैसे पावर थोड़ा सा देख लिया जाए। ये बहुत बढ़िया, पावर इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। और क्या बताएं, बढ़िया है पावर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसमें थोड़ा सा हैंडल छोड़ के देखता हूँ क्योंकि एक चीज़ क्या होता है कि जब बाइक चलाते हैं ना तो क्या होता है हैंडल का इश्यूज हो सकता है गाड़ी में। तो हैंडल का तो इश्यूज कुछ नहीं है, गाड़ी अच्छा है ओवरऑल और बाइक बढ़िया है। इसके इंजन का इंजन CC है, 124cc, उसका भी 124cc है। बाइक इज़ गुड, रिफाइंड BS6 बहुत ही स्मूथ बना है इस बाइक को। और कंपैरिजन करें तो इसमें मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा सा पेट्रोल कम है। तो एक चीज़ ये है इस बाइक में कि इस बाइक का थोड़ा सा पावर अलग है उस बाइक से, उस बाइक में, क्योंकि इसमें टॉप स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, उसमें थोड़ा सा कम जाएगा, यही डिफरेंस है। और डिफरेंस ये भी है क्योंकि इसका वेट थोड़ा सा मेरे को लगता है ज़्यादा है। और यही है, मैंने तो BS6 में गाड़ी का कुछ पता नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ही लेते हैं। तो बढ़िया है ओवरऑल, सब कुछ ही बढ़िया है इस बाइक में।
एंड एवरीथिंग इज़ गुड। और थैंक यू नफीस मेरे को इस बाइक चलाने के लिए। गाड़ी 90 किलोमीटर तक चले गए हैं और ट्रिप अभी 90 किलोमीटर तक ही ये गाड़ी चला क्योंकि परसों ही लेके आए बाइक को। इसमें क्या मेरे को पेट्रोल का कुछ लग रहा है या फिर कुछ और लग रहा है मेरे को पता नहीं। अभी स्टार्ट इसका गिर गया पता नहीं किस लिए क्योंकि इतना स्पीड पे तो कोई अभी तक चलाया नहीं मेरे को लगता है। तेल ऑफ है पेट्रोल पंप पे। तो और क्या बताएं, बाइक ओवरऑल बहुत बढ़िया है और स्मूथ है, एवरीथिंग इज स्मूथ। और यही है बी6 मॉडल। मेरे को लगता है फ्यूल भाई ने भरवाया नहीं या फिर कुछ दिक्कत है बाइक में, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। भाई ने बोला कि 500 रुपये चार दिन पहले भरवाया था, इसके 90 किलोमीटर चल गए, अब पता नहीं क्या हो रहा है। भाई आ रहा है, देखा कादो आचे कि बेपार्टा भूल जाम ना की होता मैंने मैंने अच्छा तेल से जे रखा मैं अच्छा लाग चे अभी अपन अगर कांटा उठे अच्छे निम्नी ऑलरेडी अपन कांटा दे चुके ऑफ ये सरो तो अभी एक बार ठीक है ना तो अभी इस बाइक में आ गया मैं आ गया हूँ इस बाइक में तो इसको थोड़ा सा चला के देख लेते हैं कैसा होता है। ये तो बहुत बढ़िया है आसो ये इसको पावर मोड में कर दिया। तो इसमें एक चीज मेरे को अच्छा लगा इस बाइक में, इसका डिफरेंस में बताऊं दोनों ही बाइक अच्छा है, बेस्ट है। इसका बाइक का पावर अच्छा है बट वो थोड़ा स्लो स्पीड जा रहा है और इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब थ्रॉटल स्पोर्ट इसके पास है इस कंपेयर। तो यही मेरा मुझे डिफरेंस लगा बाइक में। ओवरऑल बाइक बहुत बढ़िया है। एक टाइम पे स्पीड 109-108 के बाद थोड़ा स्लो हो जाएगा और 110-115-120 तक जाएगा ये स्पीड। तो यही वो कंपेरिजन है पल्सर में कि 120 तक भी जा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस बाइक में जो दिक्कत है, इस बाइक में क्या दिक्कत है, 108-109 तक जब तक जाएगा ये बाइक तब तक ये खत्म हो जाएगा। लगता है कहीं पर अटक गए पता नहीं। उसमें एक चीज दिक्कत हो रहा है क्योंकि वो बोल रहे कि परसों वो गाड़ी लेकर 500 रुपए का तेल भरवाया और 500 रुपए में तकरीबन 4.5 लीटर तेल आया। तो अभी वो बोल रहा है कि मतलब इसका फ्यूल का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है लगता है, मतलब तेल का कांटा एक दिखा रहा है बट क्या हो रहा है कि इसका मतलब गाड़ी स्टॉप हो जा रहा है जैसे कि पेट्रोल नहीं ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक ही दिक्कत हो रहा है मेरे को भी नहीं पता। तो थैंक यू नफीस बाइक देने के लिए और okay. भाई का बाइक लिए कॉन्ग्रेचुलेसन सब जना देना, भाई ने बाइक लिया है और एक दिन वीडियो आएगा अच्छे से। ठीक है तो चलते हैं, मिलते हैं फिर। Thank you.
तो यही था कंपैरिजन वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कर देना जो भी है। मिलते हैं।